हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम एक दिन खाना खा के लाइफ टाइम एनर्जी में नहीं रह सकते, वैसे हम एक दिन की मोटिवेशनल स्पीच सुन के लाइफ टाइम मोटिवेट भी नहीं रह सकते। आपने जैसे देखा होगा कि अगर हम कोई मूवी भी देखते हैं तो हम उससे जो भी जैसी भी मूवी देखी, सपोज अगर वो देशभक्ति है तो हमारे अंदर का देशभक्त जाग जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। अगर ऐसी कोई मूवी पुलिस वाले पे आई और वो पुलिस में उसका रोल निगेटिव दिखाया गया है तो हम सारे पुलिस वालों को गलत समझने लगते हैं, और अगर ऐसा हो कि जिसमें पुलिस वालों को अच्छा दिखाया गया है जैसे कि सिंघम, तो हमने क्या सारे पुलिस वालों को अच्छा समझने लगे। मतलब हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे माइंड में वैसे ही वर्क करने लगती हैं। ऐसा कैसे होता है, एक्चुअली ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली हमारे माइंड के अंदर का एक विजुलाइजेशन है, जो हमारे अंदर क्या है, जब तक दिखाई देता है जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे अंदर माइंड में विजुअल होता है और वो चीज़ें एक इमेज बनाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें हम उससे दूर होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज़ अगर एक रेस है और उस रेस में आपको भागने के लिए बोला जाए, दौड़ने के लिए बोला जाए, लेकिन आपको डेडलाइन नहीं बताई गई है, डेडलाइन है लेकिन आपके सामने नहीं और आप दौड़ रहे हो, तो हो सकता है कि एक बार आप उसमें ना जीत पाओ। लेकिन अगर ऐसी ही सेम रेस है लेकिन उसमें जो डेडलाइन है वो आपके सामने दिख रही है, एक रेड पट्टी है, तो आप क्या है कि आप दौड़ते दौड़ते थक जाते हो लेकिन फिर भी आप उसको छूने की कोशिश करते हो और फाइनली आप उसको छू लेते हो, क्योंकि आपके माइंड में क्या है कि वो डेडलाइन आपको दिख रही है और आप उसको छूते हो जा करके। तो ऐसा होता है कि अगर हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो चीज़ें हम करेंगे तो हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने टारगेट हम अपने खुद डिसाइड कर रहे हैं और उन टारगेट को छोटा छोटा अगर बनाएं तो हम उनको अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेट रहना है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करना है, आप खुद से अगर मोटिवेट रहना चाह रहे हो तो आप जो भी टारगेट सेट करते हो उनको छोटे पार्टों में डिवाइड करिए, ताकि अगर आप एक अपना गोल, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका एम है, आप उसको अगर अचीव करो तो आप उससे खुद मोटिवेट हो, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको दूसरे टारगेट पे लेके जाओ तो आपका पहले वाला जो टारगेट अचीव हुआ था कि उसकी खुशी की वजह से आप सेकंड वाले को अचीव कर सको। ऐसे करते आप एक एक टारगेट अचीव करते जाओगे और आपका जो बड़ा गोल, आपने जो बड़ा एम सेट किया है, आप उसको अचीव कर सकते हो। और एक बात, आप कभी दूसरों की बातों पर ना जाएं कि लोग आपके पीछे क्या बोलते हैं। देखिए, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, आप चाहे सक्सेस हो और चाहे अनसक्सेस रहो, उनका काम है पीछे बात करना। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि 100 लोग एक पहाड़ पे चढ़ने का टारगेट बनाते हैं कि एक पहाड़ पे चढ़ा जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जब दूसरा दिन आता है और जब चढ़ने की बारी आती है तो उसमें से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और वो नहीं चढ़ पाते, लेकिन कुछ लोग जो चढ़ रहे होते हैं उसमें से धीरे 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 करते करते क्या होता है कि लास्ट में एक बंदा बचता है और जो उस पहाड़ पे करके चढ़ जाता है। जब वो चढ़ जाता है तो उससे पूछा जाता है बाद में कि तू ऐसे कैसे चढ़ गया, तो वो क्या था, एक्चुअल बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था, और वो जब पीछे मुड़ के देखता तो उसे ये लगता था कि सब लोग उससे बोल रहे हैं कि तू चढ़ सकता है, जबकि पीछे के लोग उससे बोल रहे थे कि तू नहीं चढ़ सकता, तू नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन वो तो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और वो फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। तो अगर आप में कुछ करना चाहते हो तो दूसरों की बातों को इग्नोर करो और खुद से मोटिवेट हो, आप अपने टारगेट छोटे बनाएं और एक टारगेट को जब अचीव करें तो उससे आप मतलब इंस्पायर होकर आप दूसरे टारगेट की ओर जा सकते हैं। ओके, और प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें आपको जैसी भी ये वीडियो लगी।